द डायरेक्टर ऑफ TGL से हम जानना चाहते हैं कि ये जो 26 फुट बड़ी सी घर भी आपने यहाँ इस ग्राउंड में इंदौर में बनाई है और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं एंड सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? आपकी इसके पीछे की मेहनत क्या है, कितनी है, और क्या ऐसा ख्याल आया था कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड इंदौर के नाम करने का सोचा? सो प्लीज सर, आपके वर्ड सुनना चाहेंगे। जय माता जी। इंदौर के ब्लड में अब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। इंदौर हर क्षेत्र में कुछ न कुछ नया कर रहा है। दोस्तों, ये जो गरबी है, एक्चुअली ये जो पहले के ज़माने में एक मटका रहता था, उसमें 52 छेद रहते थे, जो 52 शक्तिपीठ का प्रतीक है, और वहाँ से ऊर्जा निकलती है। जिस ऊर्जा की पूजा हम 9 दिन माता जी की आराधना करते हैं, तो उस प्रतीक को हम विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए हमारी टीम ने लास्ट 4 दिन से 24 आवर्स मेहनत करी है। न कोई प्लानिंग थी, न डिज़ाइन थी, न कोई इसकी CDR फाइल थी। जो भी टीम काम कर रही थी वो एक ही सोच के काम कर रही थी कि हमें विश्व रिकॉर्ड बनाना है। तो दोस्तों, आज हम इंदौरियन एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जो माता जी की ऊर्जा का प्रतीक है। ये आप सब इंदौर की जनता को हम आज समर्पित करते हैं। जैसा कि अभी बताया महेश भाई ने, तो हमको जान के बहुत खुशी हुई कि हम लोग भी उसका पार्ट बन रहे हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ क्रिएट हो रहा है, और आप सब भी उसका पार्ट हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। महेश भाई ने बहुत ही शानदार गरबा आयोजन किया है यहाँ पे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इसी तरह से इंजॉय करें और आज ये जो महान हमारा क्षण है वर्ल्ड रिकॉर्ड का, उसको उसके साक्षी बने। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कि मेरी श्रद्धा है माता रानी पे, मुझे विश्वास है ये होगा, और आज हो गया। जोरदार तालियों के साथ मैं श्री पवन सोलंकी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया, उनसे विनती करता हूं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अनाउंस करे। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया जीनियस फाउंडेशन 5000+ वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर्ड कर चुके हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। पर्टिकुलरली ये रिकॉर्ड के लिए करीबन 4 दिन से हमारी टीम उनके साथ कॉन्टेक्ट में थी। इसके जो स्ट्रक्चरल थे वो देखे गए, और आज हमारी टीम आई थी मॉर्निंग में, पूरा मेजरमेंट, पूरा उनका सिक्योरिटी प्लस स्ट्रक्चरिंग जो उन्होंने प्लान के हिसाब से किया था, और थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था। मैंने बोला था उनको कि ये बहुत डिफिकल्ट है, पर ये कर दिखाया ये लोगों ने, यही बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं ये रिकॉर्ड का डिक्लेरेशन करने जा रहा हूँ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेप्लिका ऑफ स्पिरिचुअल पॉट गरबी ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ नवरात्रि फेस्टिवल 2024, श्री महेश भाई कुंभानी, अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ तीर्थ गोपीकोन लिमिटेड, रिनाउंड कंस्ट्रक्शन कंपनी आली रॉयल एलिगेंस प्राइवेट लिमिटेड, एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, लार्जेस्ट रेप्लिका ऑफ पोर्ट गरबी, 20 फीट इन हाइट विड्थ एंड 26 फीट इन विड्थ, शंकर डाया, 5000 kg MS फ्लेक्स एंड क्लोथ मटेरियल, एंड इट्स अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, इट्स अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या बात है, थोड़ी सी आवाज और तालियां बजती रहनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन, पीछे से भी, व्हाट अ ग्रैंड हिस्टोरिकल मोमेंट, इतनी भव्य मोमेंट, इतनी ग्रैंड मोमेंट स्टेज पे यहाँ पे होने जा रही है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड टू अनाउंस कि TGL को, यानी कि इंदौर को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है, एंड यहाँ पे आई वुड से कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम
कर दिया है. मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंदौर. इंदौर के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. और हमारे डायरेक्टर ओनर मिस्टर मयूर कुंभानी एंड संध्या जी, बहुत बहुत मुबारक हो. मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. हेतल सर, आप क्या कहना चाहेंगे ये हिस्टोरिकल मोमेंट के लिए? सर, जहां तक मुझे पता है, हमने लास्ट ईयर भी हिस्ट्री क्रिएट की थी. 25 फीट. ओह माय गॉड. द बिगेस्ट डांडिया माँ अहल्या देवी के इस शहर में. देवी भक्त श्री मयूर कुंभानी को बहुत बहुत बधाई. पूरी टीम टीजीएल को बहुत बहुत बधाई. आपकी जोरदार तालियों के साथ इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बधाई पूरे इंदौर को. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग.